गौतम बुद्ध आसपास के गांव में यात्राएं कर रहे थे। यात्रा में उनके शिष्य भी साथ रहते थे। समय समय पर बुद्ध अपने शिष्यों को अपने आसपास घट रही घटनाओं के माध्यम से उपदेश दिया करते थे। एक दिन वे अपने शिष्य अनंत के साथ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते हुए वे एक जंगल से गुजर रहे थे। उन्हें चलते चलते काफ़ी समय हो गया था। काफ़ी चलने की वजह से वे थक गए थे। आराम के लिए वे एक जगह रुक गए। बुद्ध ने शिष्य अनंत से कहा कि प्यास लगी है, पास से ही झरने के बहने की आवाज़ आ रही है, वहाँ जाकर पीने का पानी ले आओ। बुद्ध की आज्ञा मिलने के बाद अनंत झरने के पास पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर अनंत ने देखा कि एक बैलगाड़ी पानी में से गुजर रही है, तो पहियों की वजह से पानी बहुत गंदा हो गया। पानी में मिट्टी दिख रही थी, पानी पीने लायक भी नहीं था। अनंत ने लौटकर बुद्ध से कहा कि तथागत, वहाँ का पानी तो बहुत गंदा है, पीने लायक भी नहीं है। बुद्ध ने कहा कि अब तुम कुछ देर बाद फिर से जाना, इस बार तुम्हें अच्छा पानी मिल जाएगा। बुद्ध की बात मानकर अनंत कुछ देर बाद फिर से पानी लेने पहुँच गया। इस बार पानी शांत था, पानी में कोई हलचल नहीं थी, पानी एकदम साफ दिख रहा था। अनंत ने तुरंत ही पीने के लिए पानी भरा और बुद्ध के पास लौट आया। इस बुद्ध कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमारे जीवन में कई बार ऐसी स्थितियाँ बन जाती है, मन तनाव की वजह से अशांत हो जाता है। अशांति गंदे पानी की तरह होती है। जब तक मन अशांत रहता है, तब तक हमें कोई निर्णय नहीं लेना चाहिए। पहले मन को शांत करें, इसके बाद ही सोच समझ कर निर्णय लेना चाहिए। मुश्किल समय में धैर्य रखें, मन शांत होने के बाद ही महत्वपूर्ण निर्णय लें। मुश्किल समय में मन अस्थिर हो जाता है, इसलिए ऐसे समय में कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेने से बचना चाहिए।